भाई बहू मेरे साथ भाई, क्योंकि मेरे हाथ में लग रही थी मेहंदी। वेलकम अगेन। और अभी मैंने उठ के मम्मी की चुंदड़ी सूट मेरा वही है, क्योंकि वो सर से बार बार जा रही थी, क्योंकि मैंने मेहंदी लगवाई थी नीचे से, तो मैंने उतार दी, सिर्फ ये वाली रहती है, थोड़ी सी गीली है अभी भी, बट फिर भी क्योंकि 2-3 घंटे हो गए मैंने कुछ ना व्लॉग शूट कराना, वीडियो बनाई। और अभी हम बनाएंगे चूल्हे पे रोटी। मम्मी सारा सामान ले आई है यहाँ पे, ये मम्मी अब आएगा सबका रोटी खाने का नंबर, मतलब मेरा तो फास्ट है तो मैं तो नहीं खाऊंगी। अभी बनेगा दादा और दादी जी के लिए चूरमा, क्योंकि वो लोग रोटी नहीं खाते, तो अभी उनके लिए बनने जा रहा है चूरमा, दादा दादी का खाना। ये बड़ी मम्मी देखो बढ़िया गाजर पाक खाने लग रही है। ये दर्शना मम्मी ने खाना बना दिया, और मैंने इसलिए बना पाई क्योंकि मेरे हाथ में लग रही थी मेहंदी, ये वाली तो उतार दी, ये रह गई। तो मैं कह रही थी मम्मी आज तो आपने मौका मिलता, मैं रोटी बनाते खाते, आज भी खो दिया। और दादा दादी ने खा ली। मम्मी की देखना भी, मैं बस शूट नहीं कर पाई भाई साहब, दोबारा करना। ये देखो यहाँ पे आँच डाल दी। बोलिए बिन बोले ठीक से। ओ मंगला मंगला। ये नजर लग गई है, ये प्रियंका के सिर में दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने बोले कितने जाड़े हैं, बोले ला भाई पंडित हूँ ले मैं ही लगा दे तेरा। मस्ती टाइम चल रहा, अमित जी तो है नहीं बाहर है, बस हम ही बैठे हुए हैं। अमित छोटा था ना, किस किस को भाई ये वाला समझ में आया, जो मम्मी ने झाड़ा लगाया तो बताइए कौन सी लैंग्वेज थी उन्हें भी। भाई बहु मेरी सासू और भाई किससे ने नहीं मिली होंगी आज तो इसी सासू, या बात तो कहनी पड़ेगी। राकेश चिढ़ रहा है, बेरा के कह राकेश है, राकेश नु कह है, राकेश चिढ़ रहा है भाई इस बात पे, अगर मारी सासू हमने ज्यादा प्यार करा है, नु कह मारी नजर को दिन ना तारी, तो चिड़े क्या थे, हम इसे काम करो, हम तो प्यार करे ले। अब शाम का टाइम, दादी जी से आशीर्वाद लेने आई थी, तो फिर दादी बात बताने लगी कि सभी तारीफ करते हैं कि पोते की बहू सुंदर आई है ना। सुंदर भाई। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येलो क्लासेस। आई थिंक आपने पहले भी सुना होगा येलो क्लासेस के बारे में, और जिसने नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। येलो क्लासेस इंडिया का सबसे बड़ा लाइव एंड इंटरेक्टिव होबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें 3 से 15 साल के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप आर्ट्स का, क्राफ्ट्स का, सिंगिंग का, डांसिंग का, योगा का, कुकिंग का, ये सारी चीज़ें भी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। और इसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें ट्रस्ट करते हैं, और 10 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इसमें लर्निंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन एक आएगा पेरेंट्स का कि इन चीजों के अलावा हमें स्टडी भी, मतलब एक स्टडी वाला ऑप्शन जो सबसे मेन होता है वो भी चाहिए, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका इंग्लिश, आपका मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जीके, ये सारी क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी आपको पूरा एक्सेस दिया जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना स्टडी किया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अगर इसमें मैं मेंटर्स की बात करूं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहेंगे, जैसे कि शान, जो कि आपको आपके बच्चों को सिंगिंग क्लासेस सिखाएंगे, और दूसरे जो रहेंगे रितु दमन, जो कि ऑलरेडी शेफ रह चुके हैं, वो आपके बच्चों को कुकिंग सिखाएंगे। तो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहेंगे जो कि आपके बच्चों को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ इसको शेयर
एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एप्पल आईपैड जीतने के लिए, जो कि आपका इस मंथ में कॉन्टेस्ट इनका चल रहा है। इनके हर मंथ में अलग अलग कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, जैसे फेब में भी चल रहा था, जैन में भी चल रहा था, और अभी मार्च में ये आईपैड एप्पल आईपैड वाला चला हुआ है। अगर आप इस ऐप को येलो क्लासेस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं और क्लासेस अटेंड करते हैं और स्टेप टू स्टेप इसको फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है एप्पल आईपैड जीतने के लिए। तो वेट किस चीज का है, इतने सारे बेनिफिट हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, मतलब आपको कोई भी इसका चार्जेस नहीं देना है, घर बैठे आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं आपके बच्चों के लिए। और उसके साथ में आप गिफ्ट्स भी, मतलब वाउचर भी आप जीत रहे हैं, लाइक अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वो आपको मिल रहा है। तो वेट किस चीज का, फटाफट से जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी मेरे लिए लेके आई है दूध और ये गाजर पाक जो मम्मी ने बनाया था, बट मैं इतना नहीं खाऊंगी, मैं इसमें से इतना खाऊंगी क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, बाकी का मम्मी खाएगी। तो अब बैठे हैं, सारा काम आज मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी एक परसेंट ये बड़ी मम्मी, ये मम्मी खाना खाने लग रही है और आज शूट करने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और ऊपर तक कुछ टाइम तो मेहंदी में चला गया, 2-3 घंटे तो कुछ ही नहीं कर पाई, रील्स भी कम डाली और बनाई, सूट में तो बनी है ना है, 4-5 ही बनी है, कोई था ही ना बनाने वाला। राकेश पिक्कू चले गए ऊपर 8:30 बजे, अभी बजे 9, क्या करें यार। मेरी सासू आपस में मामा मार लिया बात, आसे दोनों जड़ी मैं किम बोलूं जो आ रही सना नहीं कदे की भाई, आज वो कर ले एल्बम, हमारे से एल्बम देख ले, है ना, है ना। और रात को लियो की फिर से याद आ रही थी तो मैंने फिर से वीडियो कॉल किया, बट वहां पे नेट इशू इतना ज्यादा था कि क्लियर कुछ दिख ही नहीं रहा था। मम्मी और मैं खाली बैठे थे तो सोचा मैं तो नहीं छील रही, मैं अभी अपनी मेहंदी सूख गई पर या कि कहीं कहीं से उतर रही है, तो इसको पूरी अच्छे से और उतार के ऑयल लगाऊंगी। तो मम्मी तब तक मटर छीलने लग गई क्योंकि अमित जी सुबह उठते ही खलबली मचा देते हैं फिर, ताकि सुबह सारी चीज़ें रेडी मिले। घोर सा कर डेगा बताइयो बताइए राकेश छज्जे ऊपर बोयोर बाजरो खिल गो फूल चमेली को। ए मम्मी आप गाओ ना, दोबारा गा रहे थे बता रखी गानो गा के। मैं और दर्शना मम्मी रह गए थे नीचे, बड़ी मम्मी किसी के वो था, क्या बोलते हैं उसको, शादी में गीत भी गाते हैं, तो वहां चली गई और ये दोनों जा लिए थे, मैंने बताया था 8 बजे। ईबिन के दिमाग में आई है के नहीं, ये ईब आए हैं रात ने 10 बजे नीचे दोनों जने, पिकू भी और यो भी। क्या राज की बात, तो ईब हम, मैं पूरा दिन तो बैठी हुई थी, मेरा हो लिया कमर में दर्द, तो मैं तो डेट गई उधर मम्मी उधर राकेश, और मेरे पैर में बैठी है प्रियंका, मगर तू थोड़ी देर पैर दबा दे मेरे, मजाक करूं नहीं ना सोचिए पैर दबाऊं, आराम से बैठी है। ये देखो बड़ी मम्मी आ गई, कितना में गए हरियाली गए खांडे, अब पूरा वो बड़ा मैं दिखाऊंगी किचन में रखा, पूरा टैंक भर दिया इन्होंने खांड इकट्ठी कर करके इतनी खांड का क्या करेगी पता नहीं, और शक्कर है, देख लो मारा सासू बहु आ गया, प्यारा अलग लेवल का है। अब हुई है पूरी फैमिली इकट्ठी, अमित जी को छोड़ के अब सारे हैं, राकेश मैं दर्शना मम्मी जी इधर ही, बड़ी मम्मी और पिकू, अब मारेंगे गप्पे। इधर करो, घूमने गए थे हाँ, तब सारे कमेंट करके बतायो, मैंने बतायो था ना कढ़ी बनाई थी, मैगी बनाई थी, आज आप यहाँ पे आ रहे हो तो चाय बना के पिलाओ, चाय रात वो भी कढ़ाई में रात के 11:30 हो गए हैं, फंस गए आज ना, मन्ने हरकत ना, मैं पूरी वो हूँ मतलब मना दोगे, मैं चटक हूँ पूरी। हाँ और बता,
और उसके अलावा बता। नहीं, आरा पे मड़वाल हारा नहीं आता देखे बाकी चूल्हे में कहेगा कर दे तंदूरी चाय ना आती है ना बनानी बाकी चूल्हे पे कहेगा चूल्हे पे बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। गैस पे काम चल जाएगा देख ले ठीक चलो भाई अभी नॉर्मल सी फैमिली है हमारी वो देखो हमारी सास पापा एक तो जानता बड़े पापा जी से पूछ के हूँ बड़े पापा जी कितनी चाय पीते हैं दिन में मम्मी कोई गिनती नहीं फिर भी अंदाजा 20 चाय 20 बड़ी मम्मी जब मैंने बड़े पापा भाई मैंने देखने गए थे बड़े पापा तो बड़े पापा ने मेरे पापा जी को बोला था कि भाई साहब मैं ते 40 चौधरी गए थे भाई साहब मेरे ध्यान को नहीं है जो भी कि मेरी तो दिन की 40 चाय रहे हैं नहीं ऐसे बोला था नू चौधरी अब लोग बीमार होता हूँ मैं दिन की 40 चाय पीऊँ मेरे कुछ भी बोला समथिंग कुछ इसी टाइप का बोला था कि मैं 40 चाय पीऊँ और हाँ एक बात और भाई सारे पूछे मेरे ते राकेश आपका रियल देवर है या सासू है या सासू है दो दो सासू के ऊपर है के है यो सीन के है बताओ तो यो कंफ्यूजन सबका दूर करेंगे सुबह बैठ के। और दूसरा कि भाई मेरा हाँ कि मेरे ससुराल का विलेज कौन सा है तो वो सारी चीज़ें रिवील करूँगी मैं सुबह वाले व्लॉग में जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरा ससुराल वाला मतलब विलेज कहाँ है क्या सिटी है और मेरी पूरी फैमिली में कौन कौन है तो वो सब इन सबको साथ बिठा के जो चेहरे देख रहे हो इसमें एक दो रेड हो सकते हैं शायद अमित जी बड़े पापा हैं दादी जी हो सकती है दादा भी हो सकते हैं पापा जी अरे वो चले जाएंगे वो उस टाइम पे अवेलेबल होंगे नहीं क्योंकि वो चले जाएंगे नहीं तो वो भी हो जाते तो उन सब के सामने फिर हम पूरा पूरी फैमिली से मिलवाऊंगे एक साथ और सब के बारे में बताऊंगी मतलब कि और तो है अच्छे मम्मी पीछे तो कह रही है हमारे सास ससुर बहुत अच्छे 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 हैं नहीं आप सारे व्लॉग में सब जो देखते हैं ना मेरे व्लॉग यूं कहते हैं कितने अच्छा आपको ससुराल मिला है कितने अच्छे हैं ये वो लाइव आ रहे हो तो एक बोली मेरे हस्बैंड में आपकी शक्ल मिला है दो ही महीने हुए है क्यों तलाक करवाओ बॉयफ्रेंड किस क्लब जैसी है तो आप बनाते राकेश के लिए चाय मैं छेड़ो थे मुंह देख ले सारी तेरी डब्बड़ मैसेज करी कितनी गर्लफ्रेंड रही है तेरी गर्लफ्रेंड कितनी रही है ना दोदा वो नहीं थी ना कल वीडियो बनाई थी कब बनाई थी एक भी कोने ने झूठ बोल के मिला है एक और ठीक तो अब बनाते हैं चाय मैंने सोचू 12 बजे मेरा भी फास्ट खुल जावा आधा घंटा और कर लिया फिर कुछ खावा पियांगे क्योंकि मेरा फास्ट था कुछ ना खाया 12 बजे तो तेरी जोत हो लेगी जोत हो लेगी फिर मैं फोन करके बता दी दूसरा आके राखी मंदके कही थी लड़की की कितने लड़की दोनों के आपस में मगो कुट्टी कुट्टी का लगी यहाँ पे बात चल रही है बड़े पापा जी की वो क्या करते हैं कोई कॉल करेंगे काम बताएंगे उठा लेंगी ये वाली मम्मी तो मान लो दूसरी बार कॉल करा तो इन्होंने फोन उठा लिया तो बोलेंगे ये काम बोल रहा था तो ये बोलेंगे मेरे को कब बोला मेरे को तो बड़े पापा जी की बातें हो रही है यहाँ किसी
इसका फटाफट से जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।